हेलो फ्रेंड, कि आपको भी इंस्टाग्राम में सेम यही प्रॉब्लम आ रही है? अनवेल टू लॉगिन, तो इस वीडियो को जो मैं आपको स्क्रीन पर शो करा रहा हूँ, सेम अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को फुल वॉच कर लें। आपको मैं बता दूंगा यह प्रॉब्लम क्यों आती है और कैसे ठीक होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यह प्रॉब्लम क्यों आती है। आप क्या करते होंगे कि आप बार बार कोई आपका अकाउंट होगा, यानी कि इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा, जो कि आप बार बार उसे लॉगिन करते होंगे, यानी यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते होंगे, बार बार करते होंगे कुछ भी, या बार बार कोई आईडी ओपन कर रहे होंगे आप बार बार अपने फ़ोन में, तो यह प्रॉब्लम आ जाती है। किसी किसी अकाउंट में भी यह प्रॉब्लम आया था कि कोई वो जो भी अकाउंट होता है ना, उसमें यह प्रॉब्लम आया था कि वो लॉगिन नहीं होता है, ऐसा अनवेल टू लॉगिन दिखा देता। तो आपको सिंपल सा इसमें कुछ भी नहीं करना है इस प्रॉब्लम में। आपको अगर यहाँ पे आप पहले तो अपने इंस्टाग्राम का क्लीन डाटा कर ले। जी हाँ, जैसे ही आप क्लीन डाटा कर लेंगे और फिर से देन उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, अगर लॉगिन वहाँ पर हो जाए सक्सेसफुली कुछ यूज़र की, तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। जैसे कि वो क्लीन डाटा करने के बाद फिर से उसमें आईडी लॉगिन करेंगे तो आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी, और फिर भी ना हो तो आपको मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। या तो आप इंस्टाग्राम लाइट है ना, आपके डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर, उसमें आईडी लॉगिन करें। यहाँ आप सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर यानी कि यहाँ पे जाना है। गूगल में जाने के बाद इंस्टाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी आईडी अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो रही है तो आपकी ऐप में भी हो जाएगी। सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हो, यूज़र नेम और पासवर्ड में उसे कुछ गलत डाल रहे होंगे और बार बार ट्राई कर रहे होंगे तो आपको यह प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ इंस्टाग्राम की वेबसाइट पर भी आप यहाँ पर गूगल पर जाइए और instagram.com सर्च करिए, तो वहाँ से आप गूगल में आईडी लॉगिन कर लेंगे, यानी कि क्रोम ब्राउजर में। तो अगर वहाँ पर आईडी लॉगिन हो जाएगी तो यहाँ पर भी पहले आप वहाँ पर अच्छे से लॉगिन कर लें। अगर वहाँ पर लॉगिन हो रही है तो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। और कुछ प्रॉब्लम हो आपकी आईडी में तो वो आप वहाँ पर क्रोम ब्राउजर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और ये आईडी क्रोम ब्राउजर में अगर वर्क करेगी, जो भी उसका रिजल्ट आएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो शो करा देगा, या आपकी आईडी डायरेक्टली लॉगिन करा देगा। तो आपको ओनली क्या करना है इस प्रॉब्लम में, कि आपको क्रोम ब्राउजर में अपनी आईडी लॉगिन करनी है, वहाँ पे चेक करना है जो भी आ रहा हो। तो वो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा कि ये कैसे होगा। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।